हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम ट्रिप। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू की तरफ से जो बहुत सारी नॉन टीचिंग पोस्ट निकाली गई हैं, जिनके अभी फॉर्म जो है वो फिल हो रहे हैं, तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स की ये डिमांड थी कि जो है अभी जो स्कॉस जम्मू की जो नॉन टीचिंग पोस्ट आई हैं उसका उसके सिलेबस पर वीडियो लाइए। तो ये जो वीडियो है ये उन्हीं की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। या जो भी बाकी वाले एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने स्कॉस जम्मू की जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई किया है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो चलिए बगैर देरी किए अब स्टार्ट करते हैं कि जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट स्कॉस जम्मू के द्वारा निकाली गई हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया और सिलेबस जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिस के रिलेटेड, तो ये नोटिस आपको स्कॉस्ट जम्मू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जो है उसको इस नोटिस को खुद भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, जो एग्जाम कौन से मोड में होगा। तो एग्जाम जो है वो OMR बेस्ड रिटन टेस्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट नंबर पर पोस्ट है, सीरियल नंबर फर्स्ट पे, वो है हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो रहने वाला है, रिटन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स भी इसके जो है 100 ही हैं, और इसका स्किल टेस्ट होगा जो आपको क्वालिफाई करना है ओनली। तो इसके कोई मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं किए जाएंगे, ये रिटन ही होगा 100 मार्क्स का, और जो हमारा स्किल टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसका सिलेबस जो है वो इस नोटिस के एनेक्स रेक के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम नीचे जब स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, तो इसका रिटन भी 100 मार्क्स का, टाइप टेस्ट जो है वो भी क्वालिफाइंग है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑडियो विजुअल ऑपरेटर रिटन टेस्ट, ये भी 100 मार्क्स का है इसका, और स्किल टेस्ट जो है इसका क्वालिफाइंग है। उसके बाद साउंड मैन जो है इसका भी रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का है और स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन जो है इसका जो रिटन जो है वो 100 मार्क्स का और स्किल टेस्ट ये भी क्वालिफाइंग है इसका। उसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पे सीरियल नंबर 6 पे चलें, तो यहाँ पे क्लासीफायर कम कैटलॉगर, तो इसका जो है रिटन है 100 मार्क्स का होगा। देन उसके बाद फील्ड कम लेबॉरेटरी असिस्टेंट, ये 100 मार्क्स का है। लाइफ स्टॉक असिस्टेंट, इसका रिटन जो है वो 100 मार्क्स का होगा, इसका कोई स्किल टेस्ट नहीं है, इसका भी कोई स्किल टेस्ट नहीं है और इसका भी नहीं है। उसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट और कैशियर, इसका रिटन जो है वो 100 मार्क्स का होगा। देन उसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पे बात करें सीरियल नंबर 10 की जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसका जो रिटन टेस्ट है ये 100 मार्क्स का। उसके बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, ये भी क्वालिफाइंग है, और उसके बाद टाइप टेस्ट होगा, ये भी क्वालिफाइंग है। उसके बाद फीमेल जो नर्स है, इसकी अगर हम बात करें तो रिटर्न जो है वो 100 मार्क्स का है। देन उसके बाद नीचे सीरियल नंबर 12 पर क्लीनर दिया हुआ है, क्लीनर का जो है रिटर्न टेस्ट 85 मार्क्स हैं, और उसके बाद यहाँ मैं बोल रहा कि द मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट शेल बी अवार्डेड आउट ऑफ 100 ऑन प्रो डेटा बेसिस पे, आपको जो है 100 में से मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कुक और होटल अटेंडेंट की, तो इसका भी सेम है, यहाँ पे रिटन टेस्ट 85। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको इजीली देख सकते हैं। तो ये था इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सिलेबस। तो सबसे पहले अनेक्जर ए के अंडर आपको सिलेबस मिल जाएगा, इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर का 100 मार्क्स का है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम जो है वो 2 घंटे इसके लिए आपको दिए जाएंगे, और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ JNDK UT, ये 30 मार्क्स का है। उसके बाद जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो आपको 20 मार्क्स की मिल जाएगी। क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, ये आपको 20 मार्क्स का मिल जाएगा। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपको 10 मार्क्स का मिल जाएगा, और टोटल यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का ये सिलेबस है आपके पास। तो अगर आप डिटेल सिलेबस देखना चाहें कि कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह दिए हुए हैं, अगर हमने एक एक को डिस्कस करना स्टार्ट कर लिया तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे इजीली इसको रीड कर सकते हैं, या इसका लिंक आपको, ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप इसको इजीली जाके खुद भी डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस जो नेक्स्ट सेकंड के अंदर है, यहाँ पे असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है, तो इसका भी जनरल इंग्लिश है 25 मार्क्स। फिर दूसरा है हमारे पास जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ JNKUT 25 मार्क्स, मेडिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर 25 मार्क्स, और टोटल जो है इसके 100 मार्क्स हैं। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं जो भी इसका डिटेल्ड सिलेबस है। उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करके जब हम आते हैं एनेक्सिव 4 के अंडर, तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा किसका, साउंड मैन का। इसके लिए भी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 मार्क्स की है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, उसके बाद नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, और स्पेशलाइज्ड टॉपिक जो है वो 40 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे इसका डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा। एनेक्सिव 5 के अंडर यहाँ पे है जी इलेक्ट्रिशियन का, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे चलेंगे तो एनेक्सिव 6 के अंदर हमारे पास क्लासीफायर कम कैटालॉगर का है, इसका भी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हमारे पास 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, उसके बाद स्पेशलाइज्ड टॉपिक इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, तो ये हमारे पास 40 मार्क्स का है। देन उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो नेक्स्ट 7 के अंडर आपको मिल जाएगा फील्ड कम लेबॉरेटरी असिस्टेंट और लाइफ स्टॉक असिस्टेंट का। तो यहाँ पे आप इसका ये देख लीजिए, पार्ट ए इंग्लिश, पार्ट बी हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड, और यहाँ पर इस तरीके से आप इसकी डिवीजन की गई है। तो आगे बढ़ते हैं हम और नीचे देखते हैं कि किसका आ रहा है। तो यहाँ पे चलें अगर हम नेक्स्ट 8 के अंदर, तो आपको मिल जाएगा अकाउंट्स असिस्टेंट और कैशियर, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। तो उसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पे चलते हैं और नेक्स्ट 10 के अंदर आपको फीमेल नर्स का जो मिल जाएगा, एनाटॉमी साइकोलॉजी आपको 10 मार्क्स की मिल जाएगी, माइक्रोबायोलॉजी 3 मार्क्स है, फिजियोलॉजी हमारे पास कितनी है जी 5 मार्क्स की, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी जो है 2 मार्क्स हैं इसके, नर्सिंग आर्ट्स न्यूट्रिशन 25 मार्क्स, न्यूट्रिशन जो है वो 6 मार्क्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 16 मार्क्स, ऑर्थोपेडिक हमारे पास 13 मार्क्स, मिडवाइफरी जो है ये 20 मार्क्स। तो ये इस तरीके से जो है इसको सिलेबस को डिवाइड किया गया है और मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पे आप इसके डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आप मूव करते हैं 11th पे, यहाँ पे आपको कुक क्लीनर और सिक्योरिटी गार्ड का सिलेबस मिल जाएगा, तो ये यहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हैं। देन उसके बाद 12th पे आपको ड्राफ्ट मैन का मिल जाएगा, ड्राफ्ट मैन के बाद आपको नीचे अगर स्क्रॉल करके जब जाओगे तो यहाँ पे एनेक्सिव 13 के अंडर आपको कारपेंटर का जो है वो सिलेबस दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 14th पे जब एनेक्सिव पे आप आओगे तो ड्राइवर पोस्ट का जो है सिलेबस है आपके सामने, और अगर 15 पे जब आप आओगे और उसके बाद यहाँ पे एनिमल अटेंडेंट का सिलेबस आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद जब आप 16 एनेक्सिव पे आएंगे तो वर्क सुपरवाइजर की पोस्ट का सिलेबस आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। तो ये थे कुछ सिलेबस जो नॉन टीचिंग पोस्ट स्कॉस्ट जम्मू की तरफ से निकाली गई हैं। तो इसका डिटेल सिलेबस अगर आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।